हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि दोस्तों हम कैसे से 150 रुपीस के अमाउंट से दोस्तों वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू अपस्टॉक के जरिए। इस पर दोस्तों हमने ऑलरेडी से वीडियोस यहाँ पर क्रिएट किया था, जहाँ पर दोस्तों हमने यहाँ पर आप कैसे अपस्टॉक के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं और दोस्तों कैसे आप इसे ऑटो मोड में डाल सकते हैं, इस पर भी दोस्तों हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए थे। बट दोस्तों इसके बाद में भी दोस्तों यहाँ पर कई लोगों के यहाँ पर कई सारे एरर्स आ रहे थे, कई सारे इश्यूज आ रहे थे। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर अपस्टॉक्स ने भी अभी रिसेंटली कुछ एप्लीकेशंस पे अपडेट किए हैं, तो मुझे लगा दोस्तों क्यों ना आपके साथ में वो सारे न्यू अपडेट आपके साथ में शेयर किए जाए। और इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर क्या क्या अपडेट आए हो और अभी दोस्तों आप रिसेंटली आप कैसे जो है वो अपस्टॉक के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं वो भी आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस किया जाए। देन एंड दोस्तों यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर वीडियोस आएंगे, जहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर आज की इस वीडियोस में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपस्टॉक्स में दोस्तों म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियोस में दोस्तों हम बताएंगे कि दोस्तों आप कैसे जो आपने वहां पर अपस्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट किया होगा आप कैसे उसे विड्रॉ कर सकते हैं, कैसे दोस्तों आप उसकी एसआईपी तो कैंसिल कर सकते हैं और कैसे दोस्तों उसे ऑटो मोड में डाल सकते हो और कैसे उसे आप विड्रॉ कर सकते हैं। ये सारे स्टेप बाय स्टेप दोस्तों प्रोसेस होने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप दोस्तों वीडियोस आने वाले हैं। अगर दोस्तों अगर आप स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देखना चाहते हैं दोस्तों, देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप फाइनेंस बुक्स पढ़ने के शौकीन है, देन दोस्तों आप हमारी न्यू चैनल धनी बुक पर आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर दोस्तों आपको इंटरेस्टिंग बुक समरी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी विथ फैक्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा विद एनिमेशन के साथ में। देन दोस्तों आप वहाँ पर एक बार विजिट जरूर करना। इस चैनल का लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अपस्टॉक के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपका अपस्टॉक्स में अकाउंट होना कंपलसरी है। और दोस्तों अगर अभी तक अगर आपने यहाँ पर अकाउंट क्रिएट नहीं किया दोस्तों, तो इसका लिंक जो है दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट में देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक के जरिए अकाउंट क्रिएट करते हैं दोस्तों, देन यहाँ पर आपको अप टू 499 रुपीज का कैश प्लस आपको 30 डेज के लिए दोस्तों ट्रेड करने के लिए यहाँ पर 1000 रुपीज का आपको ब्रोकरेज क्रेडिट भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आपका यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट है, देन बेस्ट है आप यहाँ पर सबसे पहले अपना लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, देन दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना है इन्वेस्ट पर। इन्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आ रहा है म्यूचुअल फंड, ठीक है, तो यहाँ पर से व्यू ऑल फंड्स पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऊपर सर्च का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप जिस म्यूचुअल फंड आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो म्यूचुअल फंड यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ टाटा डिजिटल फंड, तो मैंने यहाँ पर टाटा डिजिटल फंड लिख दिया दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों फंड सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपके पास आते हैं तीन ऑप्शन, पहला आता है डायरेक्ट ग्रोथ, उसके बाद आता है डिविडेंड पे आउट, उसके बाद आता है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। आप दोस्तों जब भी किसी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों आप जो है पहला ऑप्शन चूज कीजिए टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप इस फंड के सारे पैरामीटर्स वगैरह देख सकते हैं कि ये जो फंड है वो कितना रिटर्न्स दिया है, इस फंड को कौन मैनेज करता है, ये फंड कब स्टार्ट हुआ था, ये फंड कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, इस फंड के सारी डिटेल्स दोस्तों जो है यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे स्टार्ट एसआईपी एंड वन टाइम का। अगर दोस्तों अगर आप एवरी मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं देन दोस्तों यहाँ पर आप स्टार्ट एसआईपी पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। और अगर दोस्तों अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी कि आपके पास एक लमसम अमाउंट है और आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिनिमम वन टाइम 5000 रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, देन दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टार्ट एसआईपी पर। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके यहाँ पर तीन ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है डेली मंथली एंड क्वार्टरली, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा मंथली, यानी कि मैं एवरी मंथ इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है सिलेक्ट डेट का, आप कौन सी डेट को दोस्तों एवरी मंथ इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर आपकी सैलरी यहाँ पर 30 तारीख को हो जाती है, देन दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको दोस्तों वो डेट सिलेक्ट करनी है जिस डेट को दोस्तों आप कंफर्टेबल हो इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं अभी इस मंथ में सितंबर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, देन दोस्तों मैं सेकंड एसआईपी में यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों
यहाँ पर आपको लॉकिंग पीरियड में कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अमाउंट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आ रहा है कि आप इस फंड्स में मिनिमम 150 रुपीस की SIPs कर सकते हो और इसके ऊपर दोस्तों आप जितना चाहे उतना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं यहाँ पर 150 रुपीस इन्वेस्ट करना चाहता हूँ एवरी मंथ, तो मैंने यहाँ पर वो अमाउंट यहाँ पर इंटर कर लिया। इंटर करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हम क्लिक करेंगे बैंक डिटेल्स पर। बैंक डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका डिफॉल्ट बैंक अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा जो दोस्तों आपका अपस्टॉक्स पे यहाँ पर रजिस्टर्ड है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर अभी करेंगे रिव्यू पर क्लिक। रिव्यू पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो भी आपने सिलेक्ट किया है वो यहाँ पर आप एक बार वापस से रिव्यू कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि दोस्तों अभी हमने यहाँ पर टाटा डिजिटल इंडिया फंड यहाँ पर हमने चूज किया था तो वो फंड का नाम आ गया। इसके बाद में हमने कितना अमाउंट यहाँ पर चूज किया था, अमाउंट भी आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गए और सेकंड SIP हमने जो डेट यहाँ पर सिलेक्ट किया था वो भी आ गया। लॉकिंग पीरियड 0 आ रहा है, बैंक डिटेल्स आ रहा है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आता है व्यू मैंडेट डिटेल्स का। व्यू मैंडेट डिटेल्स मतलब दोस्तों आप जो है एवरी मंथ फिजिकली आप अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट न करके दोस्तों आप इमेंडेड फॉर्म सबमिट करते हैं जहाँ पर दोस्तों ऑटोमेटिकली आपका बैंक से पैसा कट करके आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है, जो कि दोस्तों आप मैक्सिमम 25,000 रुपीस का इमेंडेड फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये फॉर्म दोस्तों आपको जैसा ये SIPs कंप्लीट करने के बाद में दोस्तों आपके ईमेल आईडी पर आपको मिलेगा। वो फॉर्म सबमिट करने के बाद ही दोस्तों आपका जो अमाउंट है वो ऑटो डेबिट होगा, उसके पहले नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी दोस्तों हम जो है वो ऑटो डेबिट कुछ भी नहीं करते, ये स्टेप बाय स्टेप दोस्तों हम आगे बात करेंगे। तो अभी जो है हम यहाँ पर फिजिकली दोस्तों यहाँ पर इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे प्लेस ऑर्डर पर। प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों ये देखिए दोस्तों, जैसे हमने प्लेस ऑर्डर पर क्लिक किया दोस्तों, तो हमारी यहाँ पर एक SIP जो अभी आज की थी वो यहाँ पर हमारी यहाँ पर इंस्टॉल हो गई है और सेकेंड SIP हमें दिखा रहा है दोस्तों यहाँ पर 2 अक्टूबर 2021 को मेरी सेकेंड SIP है। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा काफी इजी तरीका है इन्वेस्टिंग का। ठीक है, अभी दोस्तों यहाँ पर कई सारे लोगों को एरर आ रहे थे कि इन्वेस्टिंग करते वक्त सारा प्रोसेस तो कंप्लीट हो रहा है बट जैसे हम प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करते तो वहां पर इश्यूज आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वो इश्यूज कभी कभी सर्वर की वजह से भी आ सकते हैं। अगर आपको भी दोस्तों अगर प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करते वक्त कुछ इश्यूज आते हैं देन आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप कुछ टाइम वेट कीजिए या फिर दोस्तों आप मंडे टू फ्राइडे के बीच में कर दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 99% दोस्तों आपको वो एरर्स नहीं दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप सैटरडे संडे के दिन अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्तों आपको उस टाइम पर आपको एरर्स देखने को मिल जाते हैं। अभी दोस्तों एरर्स क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पर अपस्टॉक की टीम जो भी डेवलपर्स होते जो कि वेबसाइट्स हैं ना इनकी एप्लीकेशन को मेंटेन करते तो इनके बैकएंड में इनका प्रोसेस चलता रहता है तो थोड़ा सा उसका भी प्रॉब्लम इश्यूज आ सकता है। एंड अगेन दोस्तों ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों देन दोस्तों आप मंडे टू फ्राइडे के बीच में आप अपस्टॉक के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके एकदम इजीली दोस्तों आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है या फिर कुछ भी सजेशन है दोस्तों देन दोस्तों आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन देन दोस्तों आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियोस में दोस्तों हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर दोस्तों हमने जो यहाँ पर अपनी SIPs इंस्टॉल की है हमारे पोर्टफोलियोस में आने के लिए कितना टाइम लगता है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर SIPs किए उसे ऑटोमेटिक मोड में कैसे डाले। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि उस SIPs को दोस्तों हम कैंसिल कैसे करें। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि जो हमने यहाँ पे SIPs किए उसको विड्रॉ कैसे करें। ठीक है, तो सारा जो वीडियोस है दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आने वाले हैं। देन दोस्तों आपसे वो वीडियोस मिस ना हो देन दोस्तों आपके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और दोस्तों अगर वीडियोस अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर दोस्तों एक ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में, तब के लिए जय हिंद।